बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं फ़हीम अब्बास आपको खुश आमदीद कहता हूँ न्यूज़ कैफ़े में, और उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से हैं और आज के दिन का एक अच्छा सा आगाज़ भी कर चुके हैं। आज जुमातुल मुबारक है, जुमातुल मुबारक की भी तमाम तर फजीलतें और बरकतें तमाम नाज़रीन को बहुत बहुत मुबारक हों। आपको बताते चलूँ कि आज हमने अपने प्रोग्राम को दो हिस्सों में तकसीम किया, और प्रोग्राम के पहले हिस्से में हम बात करेंगे पोलियो मुहिम के हवाले से जो इस वक्त मुल्क भर में ज़ोरों शोर से जारी है। करोड़ों बच्चों को पोलियो के ड्रॉप्स जो हैं वो पिलाए जा रहे हैं, और इसके साथ साथ उन्हें मीज़ल्स, रुबेला और मम्स की भी डोज दी जा रही है। इसी हवाले से बात करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं एक सीनियर चाइल्ड स्पेशलिस्ट जनाब डॉक्टर इकबाल मेमन साहब। आपको खुश आमदीद, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम, जज़ाकअल्लाह, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। आपकी तबीयत ठीक है? अच्छा है सब, माशाल्लाह, रब का बड़ा करम। ज़बरदस्त ज़बरदस्त सर, इस पोलियो मुहिम के हवाले से बताइएगा कि ये कितने ज़ोरों शोर से इस वक्त जो है मुल्क भर में जा रही है। देखिए, ज़ोर तो आवाम से आता है, बिल्कुल सही, और आवाम दूसरा आ रही है हुकूमती लोगों से। हुकूमत की तरफ से तो पूरा जोर है, वो ताली दो हाथ से बजती है। अब आवाम का साथ में जोश और खरोश देखा जा रहा है, अब ज़्यादा बेहतर देखा जा रहा है, और इंशाल्लाह ये हम मिल के ये ताली बजा लेंगे और इस बीमारी को रवा दवा कर देंगे। आपने सही कहा कि 2 करोड़ बच्चों को हम ये कतरे पिलाए जाएँगे इस महम में। हकीकत में पोलियो की महम जो है ना, वो छः महमें होंगी इस साल, और उसमें 3 उन एरियाज़ में होंगे जिन एरियाज़ में अभी भी जो सैनिटेशन या वेस्टेज है, एनवायरनमेंट है, उनके अंदर पोलियो के वायरस देखे जा रहे हैं। ठीक है, लोगों में अल्हम्दुलिल्लाह नहीं है, ठीक है। और बाकी 3 ऐसी होंगी जो पूरे मुल्क गिर होंगी, तो ये वाली जो है वो उन इलाकों के लिए है। 64 के करीब अजला हैं जिनके अंदर ये अभी महम चल रही है। तो अगर कोई सुनने वाला देखे जो हमारे पास कोई नहीं आया, तो हकीकत यह है कि वो उन अजला में है जिन अजला में अभी महम इस बार वाली नहीं चल रही, सिर्फ 64 में चलेगी, और वो आज आखिरी दिन है। मगर उसको कभी कभी हम कहते हैं मापअप, कि भाई कुछ एरियाज रह जाती हैं किसी वजह से, रोड बंद थे या कोई और वजह होगी मौसमी वगैरह, तो उनको कैचअप करने के लिए, मापअप करने के लिए वो 2 दिन शायद एक्सटेंड करें, मगर आज आखिरी दिन है और हम बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे, हमारे लोग करेंगे, तभी जाकर हम इंशाल्लाह इस मकसद में कामयाब रहेंगे। क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कल 1 साल पूरा हुआ जो हमारे पास पूरे साल में पोलियो का कोई केस नहीं हुआ है, पोलियो का केस नहीं हुआ है, किसी इंसान के बच्चे को यहाँ पे इसी असरात नहीं हुए। हाँ, ये ज़रूर है कि हमारे एनवायरमेंट में इन 64 अजला में ये बीमारी के जरासीम देखे गए हैं, और ये जो हमारे एनवायरनमेंट है वहीं पे हमारे बच्चे खेलते हैं, वहीं पे हमारे बच्चे पलते पोसते हैं, और वहीं से वो पकड़ सकते हैं। इसलिए इन कतरों का इतलाक बहुत ज़रूरी है, हर एक ने पीने हैं, नहीं तो चाहे मैंने 20 मरतबा पिए हैं, मैंने 21 मरतबा भी पीऊँगा, क्योंकि मेरी वजह से ये जो कतरे पिलाए जाते हैं ना, वो आगे जाकर एनवायरनमेंट में शामिल हो जाते हैं, मुझे प्रोटेक्शन देते हैं और आगे दूसरों को भी प्रोटेक्शन देते हैं। मेरे कुर्बान जवान में जो भी लोग होते हैं उन तक ये वायरसेस के सिलसिला पहुंचाता है, जिससे वो जो बीमारी के जरा से हाँ। उनको ख़त्म करने में मदद करते हैं। बिल्कुल ठीक है। अच्छा देखिए, इस वक्त बड़ा अहम सवाल बहुत सारे नाजरीन भी ये जानना चाह रहे होंगे, वो बच्चे जिनको मौसम की वजह से, मौसम की तब्दीली की वजह से कोई बुखार या नज़ला या खांसी की शिकायत है, और पोलियो वर्कर जो हैं वो दरवाज़े पे आ जाते हैं कि जी अपने बच्चे को पोलियो के कतरे पिलाएं और बाकी जो वैक्सीन है वो भी लगवाएं, तो ऐसी सूरत हाल में उन्हें इंतज़ार करना चाहिए या डॉक्टर से मशवरा करना चाहिए? और आपसे मशवरा कर रहे हैं हम। बिल्कुल सही जनाब, बहुत ही ज़बरदस्त सवाल पूछा। मैं खास ये बदकस्मती से अमूमन ये कहते हैं जी कतरे ना पिलाएं या वैक्सीन ना लगवाएं। अगर बच्चा शदीद बीमार है तो यकीनन अस्पताल चला जाएगा, ठीक है। घर में बैठा हुआ बच्चा या बुखार में या नज़ले में या थोड़ी सी खांसी है या ज़्यादा खांसी है, मगर इतना शदीद बीमार नहीं है जिसमें सांस की तकलीफ, तो उनको हम दवा तो पिलाते हैं ना। बिल्कुल पिलाते हैं, दवा पिलाते हैं ना उनके इलाज का। तो ये कतरे जो हैं और जो वैक्सीन है वो भी हकीकत में एक दवा है, तो वो पिलानी है, और बार बार पिलाने से अपनी कुव्वत मुदाफ़त भी मज़बूत होती है, और अपने पसगर्दाई में जो भी ऐसे हैं जिनको इससे फ़ायदा हो सकता है, तो आप दूसरों का काम भी कर रहे हैं। इसलिए कतरे पिलाने चाहिए चाहे हमारे पास बीमारी हो। हाँ, ये ज़रूर है जो अस्पताल में दाखिल हो जाएं या बहुत शदीद बीमार हो जिनको
मुंह से दवाई ना पिलाई जा सके तो मेरे फिर उस सूरत में वाकई कुछ दिन ठहर जाए। यानी कि पोलियो ड्रॉप्स जो हैं वो उनसे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला हमारी सेहत पे, अगर बच्चा बीमार है खराब असर नहीं पड़ने वाला। ठीक है, कोई खराब सॉरी। और रुबेला और जो दूसरा मीजल्स के जो वैक्सीनेशन वगैरह है उसके लिए डॉक्टर साहब से हम मजीद पूछेंगे कि वो किस उम्र के बच्चों को लगाई जा रही है और वो लगाना कितना ज़रूरी है और उससे हमारे बच्चे किस हद तक किन बीमारियों से किस तरह महफूज रह सकते हैं, इस बारे में भी बात करते हैं। छोटा सा वक्फा, कहीं मत जाइए, न्यूज़ कैफे देखते रहिए, अभी आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होते हैं। पोलियो की वैक्सीन ना सिर्फ महफूज है बल्कि हलाल है। ये वही वैक्सीन है जिसके जरिए दूसरे इस्लामी ममालिक से पोलियो के खात्मे को मुमकिन बनाया गया। पोलियो के सिर्फ दो कतरे आपके बच्चे का मुस्तकबिल महफूज बना सकते हैं। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े, मैं हूं फ़हीम अब्बास और न्यूज़ कैफ़े में मेरे साथ हैं जनाब डॉक्टर इकबाल मेमन साहब जो कि सीनियर चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं, जिनसे हम जान रहे हैं पोलियो मुहिम के हवाले से, पोलियो मुहिम के हवाले से आगाही जो है वो हम हासिल कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, वक्फे से पहले आप बता रहे थे कि हमारे यहाँ लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं इस मुहिम में। जाहिर सी बात है कि जो इस मुहिम में जितने भी लोग शामिल हैं, जो सेहत के इदारे से ताल्लुक़ रखने वाले, इस शोबे से ताल्लुक़ रखने वाले जितने रज़ाकार हैं उनको भी सैल्यूट है, और जितने सारे लोग जुड़े हुए हैं क्योंकि सब ने बहुत कुर्बानियां दे के आज हम मतलब पाकिस्तान को इस जगह पे लेके आए हैं कि आपने कहा कि एक साल हो गया और अभी तक कोई वायरस रिपोर्ट नहीं हुआ। ये एक बड़ी कामयाबी भी है, बड़ी खुशी की बात भी है, मगर इस खुशी की बात के साथ ही हमारी जिम्मेदारी और ज़्यादा बढ़ गई क्योंकि अब हमें वापस जो है ना किसी पेशेंट की तरफ नहीं जाना, और वो तभी मुमकिन है कि हर फर्द जो इस वक्त देख रहा है, अगर आपके घर में बच्चे हैं तो आपकी ज़िम्मेदारी है कि आप उन बच्चों को ये जितने भी हिफाजती जो खुराक है, ये जिसमें पोलियो के कतरे हैं और दूसरे टीके हैं, वो ये लाजमी लगवाए जाएँ। अच्छा, आप हम पोलियो की बात कर रहे थे, आपने कहा कि जिन बच्चों को अगर हल्का फुल्का बुखार वगैरह भी है या कोई नज़ला वगैरह, तो पोलियो के ड्रॉप से तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, मगर रुबेला और मीज़ल्स की जो डोजेस दी जा रही हैं कि ये कितनी ज़रूरी हैं, क्यों बच्चों को लग रही हैं और इससे हमारे बच्चे को क्या फ़ायदा है? पहले तो मैं आपके साथ शामिल हो जाऊँगा सलाम करने को उन वर्कर्स, उन रज़ाकारों के जिनने मुश्किल हालात में मुख्तलिफ जगहों पर जाकर तकलीफ़ें उठा के, सहूबतें उठा के हमारे बच्चों के लिए आगे बढ़ें। और इसमें पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जिसके अंदर रज़ाकारों के ऊपर हमले हुए हैं, जी हाँ जी, और इसमें कई जानें तलफ हुई हैं और ये बड़ी अफसोस की बात है, और अल्लाह करेगा अभी भी मैंने कुछ ऐसी बात सुनी, इंशाअल्लाह हमारे लोग आगे बढ़ रहे हैं और ये इनकी रफ्तार बेहतर है शमूलियत में, कबूलियत में, कभी भी कतरे पिलाए जा रहे हैं, मगर अभी भी लोग ऐसे हैं, अच्छे खासे पढ़े लिखे लोग ऐसे हैं, और जो अमूमन बाकी कतरे और अपना वैक्सीनेशन कराते रहते हैं मगर पोलियो के बाद बार बार डॉक्टर फिर पिलाएं। बात यह है कि मैं कहता हूं भाई अपनी गाड़ी की सर्विस कराने जाते हो ना बार बार, हर तीन दो तीन माह के बाद या जो माइलेज है गाड़ी की सर्विस कराएं, बिल्कुल तो ये सर्विस है आपके दिफाई निज़ाम की। अच्छा, आप बार बार पिलाएं तो ये सर्विस है, और सर्विस से आप हटे ना। आ जाइए खसरा और रुबेला, जिसको जर्मन मीजल्स कहते हैं हमारे पास, और हमारे एक कलीग ने इसके दो नाम दिए, एक बड़ा खसरा एक छोटा खसरा, छोटा खसरा जर्मन खसरा। अच्छा, बड़ा खसरा मीजल्स सब जानते हैं, सही है, और छोटा खसरा जो है जो जिसको रुबेला कहते हैं, रुबेला छोटा खसरा है, उस खसरे की तरह है, बुखार होता है और दाने निकलते हैं मगर वो इतनी शदीद नहीं होते। अच्छा, मगर ये छोटा जो है ना, अगर हामला औरत को लग जाए तो उस बच्चे की नशो नवा में
अकल में, सर की बनावट में, दिल की बनावट में, आंखों में, सब जगह पे असरअंदाज होता है और वो हमारे को एक अपाहज बच्चा मिलता है। तो इसलिए इसको कंजेनिटल रूबेला सिंड्रोम कहते हैं। उससे बचने के लिए ये रूबेला का टीका बहुत ज़रूरी है। और आपको ये बता दूँ, अमेरिका जैसा मुल्क और यूरोप जैसे मुल्क में अगर किसी कोई बच्चा सीआरएस के साथ पैदा हो जाए तो उस डॉक्टर और उस अम्मा की तरफ जो है सारी आँखें उड़ जाती हैं कि उस डॉक्टर ने इनको खसरे के टीके के लिए क्यों नहीं मना किया, क्यों नहीं हिफाजत तदाबीर ली। और वालदेन ने अगर रिफ्यूज़ किया तो उनको कहा जाता है कि देखिए आपके रिफ्यूज़ल का असर है, तकरीबन एलिमिनेट हो चुका है, यानी ये चीज़ ख़त्म की जा सकती है। इसलिए खसरा भी अगर आदमी देता जाए तो खसरे के अलामत असरात बहुत कम हो जाते हैं, बल्कि ना होने के बराबर हो सकते हैं। अगर हम सब लगाने लगें, 90% से ज़्यादा पॉपुलेशन लगाए तो खसरे जैसी चीज़ भी तकरीबन जा सकती है, मगर रूबेला बिल्कुल एलिमिनेट हो सकता है। उसके ख़ास तौर पर ये जो देरीना असरात है छोटे बच्चों में वो कम हो जाते हैं। तो ये इसलिए दिए जा रहे हैं। और अभी करंटली जो रूटीन इम्यूनाइजेशन या एसेंशियल इम्यूनाइजेशन के लिए कहते हैं, जो गवर्नमेंट देती है तकरीबन 35,000 रुपये की वैक्सीन हर बच्चे के लिए गवर्नमेंट दे रही है, जो अच्छा काम है तो उसकी तारीफ करनी चाहिए। बिल्कुल सही है। उसमें यह मीजस पहले लगती थी खसरे की, वो 9 माह और 15 माह पर लगती थी। अब मीजस की जगह ये MR की एक सुई है, दोनों बीमारियों के खिलाफ काम करेगी और 9 माह और 15 माह पे दी जाएगी। बीच में जो महम चली थी, जैसे इसको इंट्रोड्यूस किया गया था, उसमें 6 माह से लेके 15 साल के बच्चे तक, जो उम्र तक बच्चे हैं, उन सबको ये MR की टीके लगे थे। मगर आम अंदाज में 9 माह और 15 माह पे ये लगे जाएंगे और 2 साल से पहले ये टीके लगे थे। मगर अगर मेरे पास गवर्नमेंट प्रोग्राम का अमूमन उसके अलावा नहीं होता, और मेरे पास अगर कोई टीके के लिए आ जाए और मेरे पास टीका मौजूद है तो मैं थोड़े बड़े बच्चों को भी लगा दूंगा, क्योंकि उससे नुकसान नहीं है। हत्ता कि हकीकत में जो हमल में होने वाले लेडीज़ हैं उनको भी MR लगना चाहिए अगर उनको पहले नहीं लगा। सही। अच्छा सर, ये बताएं कि जैसे अभी ये आपने कहा कि आज लास्ट डे कैंपेन का, अगर इसे एक्सटेंड नहीं किया जाता है तो ये लास्ट डे ही होगा, तो जिन बच्चों को रूबेला अगर रह गई तो क्या वो दोबारा अगली मुहिम का इंतज़ार करना पड़ेगा, या जहाँ पे सेंटर्स बने हुए हैं हिफाजती टीकों के लिए वहाँ से जाके लगवाए जा सकते हैं? दो बातें बता करूँगा। आज आखिरी दिन पोलियो के कतरों का है, ठीक है, वो जो महम चल रही है, MR की जो महम चली थी वो गुज़श्ता नवंबर में ख़त्म हो गई। अब ये MR जो है वो आपके पास जो सेंटर्स हैं और जो टीके जात के कहीं पे भी सेंटर हैं तो उनके अंदर MR वैक्सीन मौजूद है और वो 9 माह और 15 माह पे लगाई जाएंगे रूटीन में, ठीक है। किसी से अगर रह गई है तो वो ज़रूर लगवा सकते हैं, इत्तफाक हो गया है ऐसे, क्योंकि उन्हें नहीं लगवाया। तो बच्चों को एक दफ़ा लगवानी होती है? नहीं, ये 2 मरतबा छोटे बच्चों को लगाई जाती है। अच्छा। क्योंकि 2 से ज़रा उसकी प्रोटेक्शन ज़्यादा बेहतर हो जाती है। ठीक है, बेहतर हो जाती है। और 9 से 15 माह के बच्चे अगर हैं, 9 और 15 माह, अगर 2 साल से नीचे सबको लगेगी, तो 2 साल से अगर ऊपर हो गए तो फिर ज़रूरत नहीं है? ज़रूरत तो एक लिहाज है, मगर हमारी महम का जो जो दायरा है वो 2 साल के अंदर दिए जाते हैं। आपके सेंटर में जाएंगे, 2 साल से बड़ा बच्चा होगा तो अमूमन आपको मना कर देंगे, क्योंकि ये कैलकुलेशन से आता है। बाहर से भी वैक्सीन आती हैं और उन उस हिसाब से वो उन बच्चों को दिए जाती हैं जो बच्चे इस उम्र के हैं, कैलकुलेशन के साथ होता है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अच्छा, पोलियो के जब कतरे पिलाने जाते हैं लोग, और आपका भी बहुत सारे लोगों से ऐसा वास्ता पड़ा होगा, क्योंकि फिर आप जैसे काबिल डॉक्टर हजरात को बुलाया जाता है कि जनाब ये साहब हैं, ये अपने बच्चे को पोलियो के कतरे नहीं पिला रहे हैं, इनको कन्विंस करिए, इन्हें बताइए हकीकत, बताइए ये गुमराह हुए हैं, तो आप मतलब किस किस तरह के वो जवाब वो बहाने सुनते हैं ना पिलाने वाले, ज़रा वो थोड़ा सा बयान कीजिए। नहीं, आपने हम इनको आम में रिफ्यूज़ल्स कहते हैं। यस, ठीक है ना। और अल्हम्दुलिल्लाह वो रिफ्यूज़ल्स कम होते चल रहे हैं। तो हाँ। मैं लफ्ज़ गुमराह ज़रा थोड़ा ज़ोरदार है, इसको ज़रा धीमा करना चाहूँगा।
उनके जहनों में अपनी अंडरस्टैंडिंग और ख्याल होते हैं। कई लोगों से इधर उधर एंटी वैक्सीनेटर्स कहते हैं हम लोग, जो वैक्सीन के खिलाफ आम अंदाज में बात करते हैं। अभी आप कोविड के ज़माने की बात देख रहे हैं, कितनी मजा, कई ने बोला जी ये ड्रामा है और या वगैरह वगैरह वगैरह, और उसके साथ ये हो जाएगा उसके साथ। तो पोलियो और दूसरी वैक्सीन के लिए जनाब ये काम गैर ज़रूरी अमल है। इससे पोलियो हो सकता है, इससे हमारे बच्चे मफलूज हो जाएंगे, उनको दौरे पड़ जाएंगे, उनको सांस रुक जाएगा, या हम इस पर नहीं मानते। हमारे बच्चे अफजाइशी नस्ल में मसला हो सकता है इनको। हाँ, ये बात तकरीबन अब ये रिसेंटली ये बात तकरीबन ख़त्म हो चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह। वरना कहते हैं जिसमें अफजाइश नस्ल, तो मैं उनके लिए ये जवाब देता हूँ कि 1994 से लेके हम ये महमे चला रहे हैं। हाँ। हालांकि टीके तो 80 से पहने हुए हैं, 78 से, मगर 94 से तो हम कर रहे हैं ना, धमाधम चल रहे हैं, मगर 100% पर हम नहीं पहुँचते। नतीजा ये हमारे पास अभी तक था, जब हम उनको 94 में हमने मुहिम शुरू की थी, उस वक्त पाकिस्तान की पॉपुलेशन और आज की पॉपुलेशन देख लें। हाँ। तो अब जाहिर है नस्ल किस तरफ हुआ, हम तो डबल हो गए भाई। हाँ, आबादी की शरह में कोई कमी नहीं आई, डबल हो गए। और चीन और भारत में भी ये वैक्सीनेशन जो है इसी तरह दी गई है, वहाँ भी कोई फर्क नहीं पड़ा आबादी में। ये सिर्फ ऐसी एक ख्याल है, और वो भी गलत ख्याल। एक वक्फा है, वक्फे के बाद आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर हो रहे हैं। इस तरह की बातचीत का सिलसिला डॉक्टर साहब से जारी रखेंगे, कहीं मत जाइए। न्यूज़ कैफे देखते रहिए, अब तक देखते रहिए। पोलियो एक लाइलाज मर्ज है, और हमें बहसियत कौम इसको खत्म करना है। हम उन वालदैन को खराज तहसीन पेश करते हैं जो इस ख्वाब को मुमकिन बनाने के लिए हुकूमत पाकिस्तान के साथ है। एक वक्फे के बाद आपको फिर से खुश आमदीद। आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े, मैं हूं फ़हीम अब्बास, और न्यूज़ कैफ़े में हमारे साथ डॉक्टर इकबाल मेमन साहब मौजूद हैं, सीनियर चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं। बच्चों के अमराज के हवाले से हम बात कर रहे हैं, ख़ास तौर पे हिफाजती टीकों और इस वक्त जो चलने वाली जो मुहिम है पोलियो की, इस बारे में बात हो रही है। अच्छा डॉक्टर साहब, बच्चा अगर हमारा बीमार होता है तो उसको हम डॉक्टर के पास लेके जाते हैं, वो लाजमी सी बात हो जाती है। हम जितने मर्ज़ी मसरूफ़ हों, अगर बच्चा घर में सेहतमंद हो, हंस खेल रहा हो, उसे किसी किस्म का कोई मसला ना हो, और फिर उसे किसी हिफाजती टीके के लिए जो है ना वो लगवाने के लिए लेके जाना डॉक्टर के पास, तो ये एक थोड़ी सी एफर्ट करनी पड़ती है। तो ये एफर्ट जो है वो पेरेंट्स को, अगर एफर्ट लग रही है तो मैं चाहता हूँ कि ज़रा कुछ हकायक बताएं, ताकि उन्हें ये एफर्ट ना लगे, उन्हें ज़रा मोटिवेशन मिले कि ये बहुत ज़रूरी काम है। ये देखिए, बदकिस्मती से हमारी जो कम्यूनिटी है पाकिस्तान में, चाहे नॉर्थ हो, चाहे साउथ हो, चाहे ईस्ट हो, चाहे वेस्ट हो, हम डॉक्टर या दवाई का तस्वर तब करते हैं जब खुदा न खास्ता बीमारी आ जाए। जो हिफाजती तदाबीर हैं उनकी तरफ हमारा रुझान कम है, ठीक है, और ये एक सोच का अंदाज है। देखिए, सब ये कहेंगे कि भाई ज़रा चेक करा लो गाड़ी कैसी है, ज़रा चेक करा लो नलके वगैरह तो ठीक हैं, ज़रा चेक करा लो टंकी साफ है या नहीं है, पानी है या नहीं है, चेक करा लेते ना, ख़त्म होने से पहले पानी का टंका ही ऐसा ही है। अरे भाई, जब सेहत के हिसाब से आप सेहत को चेक करा ले, अगर चेक ना कराए तो कम से कम मजबूत तो करा ले। हाँ सही। जब ये एक अंदाज फिक्र ये है कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, हिफाजती तदाबीर सेहत और इलाज से बेहतर है। सही है, ये एक बात। दूसरी बात यह है कि ये हमारे दिमागों में बात नहीं आती कि अगर जो ऐसी ज़िंदगी को जानलेवा बीमारियों से अगर हमारे बच्चे बच सकते हैं तो हम वो हिफाजती तदाबीर करते हैं। हम घरों को ताले लगा देते हैं, गार्ड बिठा देते हैं, ऑफिसें दुकानें बंद करके आ जाते हैं, ये हिफाजती तदाबीर है ना। बिल्कुल ऐसा है। कभी कभी सिक्योरिटी की चीज़ें लगा देते हैं, ट्रू। हाँ जी, मगर हम अपने बच्चों की सेहत के लिए ये सिक्योरिटी के अमल करते हुए ज़रा सोचते भी नहीं हैं। हमें सोचना चाहिए
कि हमें अपने बच्चों को इन मूजी अमराज से बचाना है। देखिए जो टीके आम तौर पे गवर्नमेंट दे रही है, पोलियो जैसे मूजी मरस जिसका कोई इलाज नहीं, यरकान हेपेटाइटिस बी अच्छा। उसके खिलाफ टीके लगते हैं, यही शुरू में लगते हैं और इनसे अगर बचा जाए तो ताइवान जहाँ पे जिगर का कैंसर बहुत आम था उनने जब ये टीके लगाए, ये 90s की बात है, और अब वहाँ पे यरकान कैंसर जो है ना जिगर का वो नहीं हो रहा है, क्योंकि ये काले यरकान या हेपेटाइटिस बी से ये कैंसर भी होता है, ठीक है, जिगर सुकड़ जाता है, सिरोसिस कहते हैं, जिगर के बार बार मुस्तकिल पीलिया हो जाता है और आहिस्ता आहिस्ता उसके असर सारे जिस्म पे आते हैं, जिगर की पेमेंटकारी भी करनी पड़ जाती है अगर जिगर फेल हो जाए तो। हेपेटाइटिस बी के खिलाफ हमारे पास हैं। काली खांसी सबको मालूम है कि अगर लग जाए तो और ठीक तो हो जाते हैं, मगर एक दो से लेकर चार हफ्ते, छः हफ्ते, आठ हफ्ते न सिर्फ खांसी और बुखार और परेशानी मगर ग़िज़ाई कमज़ोरियाँ लाहक हो जाती है और बच्चे और बीमारियों में शामिल हो जाते हैं, मसाले आ जाते हैं। तकलीफ में होता है आपका बच्चा, बहुत तकलीफ में। उनसे पूछे ना जो रातों भर जाग जाग के बच्चों को, एक हफ्ते ही देख लो, हाँ। दो रातें देख लो भाई, सही बात। सारा घर ऊपर नीचे, ऑफिस का काम, घर का काम और बच्चे का स्कूल, अगर बच्चा उस एज में, हाँ। तो काली खांसी, फिर तशन्नुज, तशन्नुज की बीमारियों में जानलेवा बीमारी है, उससे हिफाजती तदाबीर यही टीके जाते हैं। फिर आपका अपना डिप्थीरिया खन्नाक, वो भी जानलेवा बीमारी है। अब वो होने के बाद इलाज उनके बहुत मुश्किल है, दुश्वार गुजारा, हो सकता है मौका ही ना मिले, तो इनसे बचने के लिए है खसरा है, जर्मन मीज़ छोटा खसरा या रुबेला कह लें। और फिर जनाब आपके पास निमोनिया के जो टीके जात लग रहे हैं वो 13 जरासीम हैं न्यूमोकोकस के, उसके खिलाफ हो रहे हैं। एक और टीका आ जाए जिसको हिब कहते हैं, हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा बी, ये वायरस नहीं, ये बैक्टीरिया है, इसको भी जो है वो उसके खिलाफ भी टीका हमारे पास मौजूद है, हम दे रहे हैं। तो मिल मिला के हमारे पास अब ये 12 खन्नाक का अपना टीबी का भी टीका लगता है पैदाइश के बाद। तो टीबी और इन सारी बीमारियों से हिफाजत अगर हम अपना लें तो हमारे बच्चे कितने ही बीमारी से बच जाते हैं, उनके अखराजात कितने हैं और उनके साइड इफेक्ट बहुत हैं। मैं आपको सिर्फ खसरे का बताऊं साइड इफेक्ट, कि खसरे में निमोनिया ऐसी सीवियर हो जाती है कि उसमें मौत भी हो सकती है। पुराना डायरिया, बड़ी मुस्तसल डायरिया चलता रहता है, कमज़ोरियाँ आ जाती हैं और आ जाती हैं। अगर ठीक भी हो जाए आम अंदाज में, आँखों की बीमारी, आँखों की नज़र कैटरेक्ट भी हो जाता है, सफ़ेद पुतली हो जाती है, ये सब मीज़ल्स के असरात हैं। और मीज़ल्स होने क्यों दें अगर हम बचा सकते हैं, तो ये चीज़ों की फिक्र क्यों करनी पड़े। और फिर खसरा ठीक भी हो जाए तो उसके बाद 2-4 साल के बाद एक ऐसी बीमारी हो सकती है, सब में नहीं होती, जिसको हम SSP कहते हैं। उसमें यूँ समझो कि दिमाग के जो हिस्से हैं वो आहिस्ते आहिस्ते गलते जाते हैं और इंसान नहीं रहता, वेजिटेट जो हो जाती है, उसमें झटके लगते हैं और आहिस्ता आहिस्ता गाड़ी पीछे को चली जाती है। भाई तो मैं तो सीधी सीधी कहूँगा, मैं मन आदमी हूँ, बीमारियों के अखराजात, बीमारियों की परेशानियाँ, जानलेवा हरकतों से बचने के लिए अगर मुझे तकलीफ करनी पड़ी कि मैं अपने बच्चे को फजल सेंटर पर ले जाऊँ, उनको टीके जात लगाऊँ, उनसे अगर कभी कभी बहुत नशाज़ो नाज़र थोड़ा सा ख़राब असर हो भी जाए, बुखार का होता है, ज़्यादा तेज़ मसाइल नहीं होते, तो मैं ये पलड़ा हमारा भारी है, अलमीज़ान अल्लाह ताला ने हर जगह रखी हुई है, बीमारियों का पलड़ा इतना भारी है कि नीचे चले जाते हैं, ज़मीन दोस्त चले जाते हैं, और ये इतना अच्छा है कि हमें ऊपर ले आएगा, सेहतमंद माशरे की तरफ ले जाएगा, हमारे मुल्क की प्रोडक्टिविटी अच्छी रहेगी। हमारे पास अगर एक बच्चा माजूर हो जाए तो पूरे घराने पर जो असरात आते हैं वो करने वाले, भुगतने वाले को पता है, और आप देख नहीं सकते कि वो क्या है, कभी आपके अड़ोस पड़ोस में अगर कोई देख लीजिए, ठीक है ना। बिल्कुल सही, थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, आप तशरीफ लाए और इस हवाले से आपने बहुत ही मुफीद मालूमात हमारे साथ और हमारे नाज़रीन के साथ बांटी। और वाकई अगर हम अपने बच्चों के साथ प्यार करते हैं, अगर क्या यकीनन हम अपने बच्चों के साथ ही प्यार करते हैं, और उन अगर उनके साथ वाकई ही प्यार है हमें,
तो फिर हम उन्हें तकलीफ से दूर रखने के लिए इन हिफाजती टीकों का हम मतलब ये कोर्स जो है ये पूरा मुकम्मल ज़रूर करवाएंगे। और यस, आजकल मुहिम चल रही है पोलियो के कतरे अपने बच्चों को ज़रूर पिलाएं। पोलियो के साथ साथ वो खसरा, जर्मन खसरा और मम्स जैसी बीमारी की जो डोजेज़ हैं वो भी आपके बच्चों को दे रहे हैं ताकि आपके बच्चे इन बीमारियों से, तकलीफ़ों से महफूज रह सके। ये सिर्फ आपके बच्चे नहीं हैं, पाकिस्तान के बच्चे भी हैं। हमने पूरी कौम को इन मसाइल से, इन अमराज से दूर रखना है। उसी की ये कोशिश है जिसमें हम सब ने मिल के बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना है। एक वक्फे की तरफ बढ़ेंगे, वक्फे से वापस आएंगे तो हमारे साथ होंगे जनाब हजरत मौलाना बशीर फारूक कादरी साहब, जिनसे इस्तखारा, रूहानी और शरई रहनुमाई के हवाले से बात होगी। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े, मैं हूं फ़हीम अब्बास। और न्यूज़ कैफ़े में जुमे के रोज़ प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हमारे साथ होते हैं जनाब हज़रत मौलाना बशीर फारूक कादरी साहब, जो कि सिलानी वेलफेयर इंटरनेशनल ट्रस्ट के चेयरमैन हैं और इसके साथ साथ मुल्क के एक बड़े नामवर, काबिल पसंद किए जाने वाले इस्लामिक स्कॉलर भी हैं। आप हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, आपको खुश आमदीद, अस्सलामु अलैकुम। कैसे हैं आप हज़रत? वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अला कुल्लि हाल। माशाल्लाह, मैं दोस्तों को बताता चलूँ कि दोस्तों आप हमें रब्ता कर सकते हैं। रब्ता करने के लिए हमारा नंबर जो है यहाँ पे नीली पट्टी में आपको नज़र आएगा, यहाँ पे आप कॉल करेंगे, हमारी टीम आपकी, आपके सवालात की मुंतज़र है। आप इस्तखारा करवा सकते हैं अपनी ज़िंदगी से मुतल्लिक, जो भी आप पूछना चाहते हैं अपने प्यारों से मुतल्लिक, आप रूहानी और शरई रहनुमाई के हवाले से कुछ जानना चाहते हैं तो आप तब भी इन नंबरों का और बशीर साहब की मौजूदगी का भरपूर फ़ायदा उठा सकते हैं। अच्छा, आज जुमतुल मुबारक है, तमाम नाज़रीन को एक दफ़ा फिर से जुमा की मुबारकबाद, और बशीर साहब आपको भी बहुत बहुत जुमा मुबारक। बहुत शुक्रिया, जज़ाकअल्लाह खैर। आज मैं चाहता हूँ कि हम अपने प्रोग्राम के इस हिस्से का आगाज़ करें जुमतुल मुबारक की फजीलत के हवाले से कि एक जुमे का दिन है, इसकी एक मोमिन के लिए, एक मुसलमान के लिए क्या अहमियत है और इसके क्या फ़ायदे हैं, किस तरह हम दोनों हाथों से नेकियाँ जो है ना वो लूट सकते हैं जुमे के दिन। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। यौमुल जुमा के बारे में ये रिवायत में आता है कि एक ज़माना था कि यौमुल जुमा की अदायगी के लिए, यानी नमाज जुमा की अदायगी के लिए लोग अपने घरों से अंधेरों में निकल जाते थे, अपने घरों से अंधेरों में निकल जाते थे जुम्मे की नमाज की अदायगी के लिए, इतना बड़ा एहतमाम किया जाता था। बहरहाल जुमा एक अजीम व शान दिन है, रमज़ान ईद और बकरा ईद से बड़ा दिन है ये जुमे के दिन, और साल का ये एक ऐसा अजीम शान दिन है कि इसको अल्लाह ने ईद का दिन भी करार दिया है, यानी हमारे पूरे बरस में ये 52 ईदें आती हैं। इसमें इंतकाल करने वाले से कब्र के सवाल और जवाबात भी नहीं होते, जहन्नम के दरवाजे बंद होते हैं। इसमें इंतकाल करने वाले के लिए जो है बड़ी बिशारतें भी हैं, और इसीलिए कहा जाता है कि यौमुल जुमा जिसका इंतकाल हो उसको गुरूब आफ्ताब से पहले पहले दफन कर दिया जाए, तदफीन जल्दी कर दी जाए, ठीक है। और साथ साथ ये है कि यौमुल जुमा एक ऐसी घड़ी आती है जिसमें कोई दुआ रद्द नहीं होती, और उसमें कई अकवाल हैं। उसमें जुमे का वक्त शुरू होते हैं, नमाज जुमा का वक्त शुरू होने से लेकर इसके एंड तक जो नमाज के लिए जो लोग जाते हैं उस दौरान, दो खुतबों के दौरान इमाम जब बैठता है, उस वक्त जब इमाम खुतबों के दौरान बैठता है उस वक्त ज़बान से दुआ करना तो मना है, दिल में दुआ करनी होगी, क्योंकि जब खुतबा सुन रहे हो तो ज़बान चलाना मना होती है, सिर्फ खतीब बोल रहा, बकिया तमाम लोगों को ज़बान साकित रखना लाजमी होता है। इधर जब देख भी नहीं सकते, क्योंकि कुछ लोग हाथ उठा के भी दुआ कर रहे हैं, इसलिए हमारे हनफियत में ये कानून है, अहकाम यही है कि खुतबा और नमाज में जिस तरह सुकूत नमाज ज़रूरी है, इस तरह खुतबे सुकूत ज़रूरी है। इधर वो देख सकते हैं, ना बात कर सकते हैं, ना दुआ मांग सकते हैं ज़बान से, दिल से मांग सकते हैं। बाकी ये कि असर से मगरिब जो है इसका ख़ास वक्त है दुआ कबूलियत का, क्योंकि ये विलादत आदम का वक्त है अलैहिस्सलाम, और उस दौरान अगर हम उससे हो सके तो पूरा साल हम यौमुल जुमा जो है वह असर से मगरिब का एतकाफ़ करें, मर्द और मस्जिदों में, औरतें घर में। और जो बड़ा नुस्खा उधर ख्वाजा ख्वाजगान ने बयान फरमाया कि उस वक्त या अल्लाह हो या रहमान हो या रहीम का तकरार करें, और गुरु आफ्ताब के वक्त दुआएं मांगें, लाजमी दुआ कबूल होगी,
बहुत कुछ कहा जा सकता है, इख्तिसार के साथ मेरे चंद बातें कहीं। बिल्कुल सही है, थैंक यू सो मच। आपने ये बड़ी अहम जो मालूमात हैं वो जुमातुल मुबारक के हवाले से हमारे साथ और हमारे नाज़रीन के साथ आपने शेयर किए। अच्छा, आप दोस्तों के सवालात हैं वो हमें वक्फे से ही आना शुरू हो गए थे, जो हमारी टीम ने लिखे भी हैं, तो मैं चाहता हूं कि उनको भी प्रोग्राम में अभी से ही साथ साथ शामिल करना शुरू कर दिया जाए। अच्छा, हुमैरा साहिबा ने हमें कराची से रब्ता किया, इन्होंने कहा कि इनकी नंद के साथ कुछ लेन देन के मामला थे जो तय पा गए हैं, ठीक है, वो ठीक हो गए हैं, मगर लेन देन के मामला ख़त्म हो जाने के बाद रंजिशें बाकी रह गई हैं कुछ, तो इनके लिए कुछ रहनुमाई कीजिए। देखें, ये जो इस्लाम में रंजिशें जो ना, इसकी बहुत बड़ी अहमियत है, उसको ख़त्म करना ज़रूरी है, और ख़ास करके इनकी तो नंद है ये, लेकिन इनके शोहर की बहन है, और बहन के साथ ताल्लुकात अच्छे ना होना तीन तबाहियाँ लाता है, बुरी मौत, रिस्क की तंगी और उम्र की भी बरकतें। तो ये बहन, आप ठीक है, आपके साथ ताल्लुकात तो अच्छे करने पड़ेंगे, क्योंकि इस्लामियात का तो कानून है ही मुतलक, लेकिन आपके शोहर की वो बहन है, इसलिए लाज तौर को कहे कि वो अपनी बहन से बहुत अच्छा बर्ताव करे। अच्छा, वहाँ से भले बर्ताव बुरा हो, उनको छोड़ दें, लेकिन ये बर्ताव, क्योंकि ये सिला रहमी जो है ना, ये लाजमी है, वरना तीन बड़ी आफतें हैं, बुरी मौत, तंग दस्ती और उम्र की बेबरकती। अल्लाह ताला मदद फरमाए। बस आप कसर से पढ़ते रहें, या रऊफ़ो या रहीम हो, बेहिसाब पढ़ते रहें, या रऊफ़ हो या रहीम हो, इंशाल्लाह उसके दिल में खुद ही खुद रहम आ जाएगा, खुद ही खुद उसके दिल में आपके लिए मेहरबानी और शफकत पैदा हो जाएगी। बिल्कुल सही। अच्छा जी, फिर हमें लाहौर से एक खातून ने कॉल किया, ये एक अलग किस्म की मुश्किल में है ये खातून। इन्होंने कहा कि इनके शौहर ने इनकी सौतेली भांजी से निकाह कर लिया है, और उसके बाद शौहर ने इनसे इस चीज़ का भी एतराफ़ किया है कि इनसे गलती हो गई है। जो इनकी सौतेली भांजी हैं वो ये कहती हैं कि अगर आप मतलब उनके शौहर जो अभी उनके शौहर हैं वो छोड़ेंगे तो वो भी नहीं बर्दाश्त कर पाएंगे, वो भी काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ में। अच्छा, ये चाहती हैं कि कुछ ऐसा हो जाए कि दोनों अलग हो जाएँ, आहिस्ता आहिस्ता ख़ुद ही ये मामला ख़त्म हो जाए। देखिए, सगी भांजी और भतीजे से तो निकाह करना निकाह ही नहीं होगा, ठीक है, लेकिन ये सौतेली है तो फिर तो निकाह हो गया ना, ठीक है, वो तो निकाह हो गया। अब निकाह हो गया और अगर उसमें तमाम मामला जो है ना, हाँ, वो जो इस बात का शरई मसला है वो तो यही है कि सगी भतीजी और भांजी होगी इनकी बीवी की, तो उनसे निकाह नहीं हो सकता था। अब ये सौतेली है तो किस लेवल की सौतेली, ये अल्लाह जानता है, तो निकाह हो ही गया अगर वो उस लेश में नहीं है तो। बाकी ये कि घर उनका तोड़वाना है तो ये काम हम कैसे करें, हम तो अल्लाह से ये दुआ करें कि जिस जो इसके हक में बेहतर है वो हो जाए। हाँ। ये घर हम कैसे तोड़वा दें, क्योंकि मुसलमान को शादी की दूसरी की इजाज़त तो है ना भाई, बिल्कुल है, और वो दोनों का लिहाज रखे, इसका तो फ़र्ज़ है उस पर। उन्होंने निकाह किया है। हाँ, निकाह किया, और वो इसमें अब यही कि बहन को ही कहूँगा, बेटा आप अल्लाह से दुआ करें कि हम सब के हक में जो बेहतर है वो हो जाए। हाँ, ये सही है। ठीक है जी, एक वक्फे का वक्त है। अच्छा चले, हम जल्दी जल्दी ये सवालात भी शामिल कर लेते हैं। अच्छा, ज़ुबैदा साहिबा ने हमें कोयटा से रब्ता किया, उन्होंने कहा कि इनकी बेटी को 8 साल हो गए हैं शादी को, पंजाब में उनकी शादी हुई हुई है, बेटी बेचारी जो अपने घर में वो खुश नहीं है, उसे तलाक की भी धमकी मिलती है और ना उसे बात करने देते हैं ना मिलने देते हैं। बस आप माँ अल्लाह से दुआ करें, आज बड़ा अच्छा मौका है कि दुआ का मतलब यानी कि दिन है, ख़ास जुमे का दिन, और ख़ास करके असर से मगरिब आप या अल्लाह या रहमान या रहीम का वर्द करें, आपकी बेटी को भी कहें, और गुरूब या आपका आफ्ताब का जो है वो अल्लाह से दुआएं करें, माँ की दुआ कैसे कबूल नहीं होगी। और दूसरी बात यह कि जो हमने इस माह जमादुल आखिर का वो दिया निसाब, उसको भी अमल करें, हर नमाज को एक तस्वीर पढ़ लिया करें कलमा तैयबा की, और एक तस्वीर पढ़ लिया करें दुरूद शरीफ़ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। और यौमुल जुमा के बारे में तो हदीस पाक है कि जो शख्स जुमे के दिन 100 मरतबा दुरूद पाक पढ़ता है, अल्लाह ताला उसकी 100 हाजतें पूरी फरमाता है। सुभानअल्लाह, अल्लाह ताला आपकी मुश्किल फरमाए, आमीन सुभानअल्लाह। अच्छा, फिर आसमीन साहिबा ने रब्ता किया, इन्होंने कल भी फ़ोन किया था, और इनकी जो साहबजादी हैं वो प्रेग्नेंट हैं, इन्होंने कहा था कि कुछ ऐसा तावीज़ वगैरह कुछ दीजिए कि जिसकी वजह से उनकी डिलीवरी नॉर्मल हो जाए, तो आपने कहा था कि आप तावीज़ मंगवा सकते हैं, इन्होंने कहा तावीज़ मंगवाया हुआ है मैंने, 12 दिन
पहले वो पहनाना था तावीज़ के ऊपर जो हदायत हैं जो उसके साथ आई हैं, मगर अभी डिलीवरी को सिर्फ 9 दिन बाकी हैं, तो क्या तावीज़ पहनाया जाए या ना पहनाया? नहीं नहीं बिल्कुल पहना दीजिए, इसमें कोई मसला, हमारे जो इलाज होते हैं इसमें कोई दिनों में अगर अदल बदल हो जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, बिल्कुल पहना दीजिए। और ज़ाहिर है कि तो वो तावीज़ जो है वो इस नेक मकसद के लिए है कि अल्लाह ताला खैर से सारा काम करवा दे, तो 12 दिन या 9 दिन का मसला नहीं है, पहना दें। बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा दोस्तों, वक्फे का वक्त जो है वो आन पहुंचा है, और दौरान वक्फा आप दोस्तों की कॉल्स का वक्त भी आन पहुंचा है, तो आप बिल्कुल बिला झिझक कॉल्स कीजिए, हमारी टीम इंतज़ार कर रही है उन कॉल्स को, उन सवालात को, वक्फे के बाद हम शामिल करेंगे। एक वक्फे के बाद मुलाकात होती है। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े, मैं हूं फ़हीम अब्बास, और जनाब हज़रत मौलाना बशीर फारूक कादरी साहब स्टूडियो में इस वक्त मौजूद हैं, जिनसे आप दोस्तों के सवालात जो हैं वो उनके बारे में हम पूछ रहे हैं। सवालात हमें और भी आ गए, आइए उनको शामिल करते हैं। अच्छा, हमें आसिफा साहिबा ने यस कराची से रब्ता किया है, इनके भाई हैं असद, इन्होंने कहा कि उनकी प्राइवेट जॉब है और उस कोई ख़ास तरक्की नहीं हो रही है, तो आप प्लीज़ इस्तखारा करके बताइए, कोई उनके ऊपर अमलियात वगैरह तो नहीं है, कि इस वजह से नहीं उनके सारे कारोबार रोज़गार के मसाइल में रुकावट पैदा हुई भी? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है। अल्लाह ताला ने अपनी किताब कुरान पाक में हमें इस बात का यकीन दिलाया है कि जो मुझसे तौबा करता है मैं उसका रिस्क बढ़ा देता हूँ। तो आप अपने भाई से कहें कि 70 मरतबा नमाज के बाद पढ़ा करें अस्तग़फिरुल्लाह अल्हय्युल कय्यूम, 7 दिन मिला के ना पढ़े, अलग अलग पढ़े, अस्तग़फिरुल्लाह अल्हय्युल कय्यूम, अस्तग़फिरुल्लाह अल्हय्युल कय्यूम, अस्तग़फिरुल्लाह अल्हय्युल कय्यूम। अस्तग़फिरुल्लाह के माने है अल्लाह मैं तुझसे अपने गुनाहों की माफ़ी मांगता हूँ, और अल्हय्युल कय्यूम के माने तो ज़िंदा है, ज़िंदा रखने वाला है, तो कायम है, तो कायम रखने वाला है। इस वजीफे को दिल से पढ़े, जब ये कह रहे हो कि अस्तग़फिरुल्लाह तो इसके माने उस वक्त दिल में भी वो रखे कि अल्लाह वाकई मैं अपने गुनाहों से माफ़ी मांग रहा हूँ, खाली ज़बान चलाना नहीं, दिल भी चलाना है। इंशाअल्लाह ताला बड़ा करम होगा, अल्लाह ताला का वादा है कि जो मुझसे सच तौबा करता है मैं उसका रिस्क बढ़ा देता हूँ, रिस्क बढ़ जाएगा इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। ठीक है। अच्छा, यासिर साहब ने हमें फैसलाबाद से रब्ता किया है, उन्होंने कहा कि ये बड़े परेशान हैं, इस्तखारा करवाना है, कोई इनके ऊपर कोई अमलियात तो नहीं? अच्छा, इनको सेहत के वसाइल का भी सामना है। देखिए, वजह तो कुछ भी नहीं है, कोई अमलियात नहीं है। परेशानी के वक्त मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वाली वसल्लम फरमा पढ़ा करते थे, या हय्यो या कय्यूम बिरहमतिका नस्तगीस, या हय्यो या कय्यूम बिरहमतिका अस्तगीस, या हय्यो या कय्यूम बिरहमतिका अस्तगीस, ये बगैर गिनती के पढ़ते रहें, और अल्लाह ताला आपको शिफा अता फरमाए। सेहत के लिए, तमाम मसले के लिए आप मुझे ख़त लिख दें, सैलानी वेलफेयर बहादराबाद कराची, इंशाअल्लाह ताला आपका मसला लिख के भेजें, आपको जवाब मिल जाएगा, उसको इस्तेमाल करें, इन्हें वज़ाइफ को इस्तेमाल करें, इलाज दिया जाएगा, उसको फ़ायदा उठाएं, कुरान पाक की आयतें दी जाएंगी घोल के इसको पिए, हदीस पाक में कुरान बेहद दवा है, तो जब आप कुरान पाक की 14 आयतें घोल के पिएंगे तो गोया आपने कुरान पाक को दवा समझ के पिया। बिल्कुल ठीक हो। अच्छा जी, फिर हमें सबाहत साहिबा ने कराची से रब्ता किया, उन्होंने कहा कि इनके घर से इनको बकरे की दुम मिली है, और इन्होंने ये कहा है कि इनके घर में रोज़गार के मसाइल भी हैं, तो थोड़ा सा इस्तखारा करते हैं, सबके मसाइल रोज़गार के हल कर दें, क्योंकि ज़्यादा कि आमदनियाँ जो थी वो कम भी हो गई और महंगाई इतनी बढ़ गई कि नाकाबले बर्दाश्त, और ख़ास करके खाने पीने की चीज़ें, यहाँ तक कि कुकिंग ऑयल 400 तक टच कर गया। जी, 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 जी। और अब क्या है कि हर शख्स परेशान है। हाँ। अल्लाह इस कयामत से हमारी जान छुड़ाए। ये आमतौर पर क्या होता है कि चील कौवे जो है ना वो ऊपर से गुजर होते घर से ऊपर से, तो कोई चीज़ छोड़ देते हैं। हाँ। तो इसका इस दुम का या कभी कोई गोश का कुछ कलेजी गिर आ जाती है घर में, तो इससे मत डरा करें। बहरहाल घर में कोई अमलियात वगैरह नहीं है, ये जो है दुम जो है ये ऐसे आ गई होगी। बाकी है कि आप जो है आज के दिन से फ़ायदा उठाएं, ख़ास करके असर से मगरिब या अल्लाह हो या रहमान हो या रहीम, सारे घर वाले जिस जो कर सकें ये करें पढ़ें, और रूब आपको अल्लाह से दुआ मांगें, अल्लाह करम करेगा। बकिया रोज़गार का पूरा इलाज जो है आपका ताल्लुक कराची से, घर के किसी फर्द को भेज दें, हमारे इधर तो 24 घंटे खुला होता है, मुझसे मुलाकात करनी हो किसी को
तो मैं जोर की नमाज पढ़ाता हूँ। आज जुमे की नमाज मैं नहीं होता वहाँ पर, बाकी आप पूरा हफ्ता जोर की नमाज पढ़ाता हूँ, मुझसे बोल रहे। बिल्कुल ठीक है। सईदा साहिबा ने लाहौर से रब्ता किया, इन्होंने कहा कि बहुत बीमार रहती हैं, इस्तखारा करके बताइए कि कोई किसी किस्म के असरात वगैरह नहीं? असरात वगैरह तो नहीं है। या अवीमो या हयो, या अवीमो या हयो, या अवीमो या हयो, ये 111 मरतबा पढ़ें। अल्लाह से दुआ करता हूँ अल्लाह को शफा अता फरमाए, कोई चीज़ नहीं है। बिल्कुल ठीक है। फिर फौजिया साहिबा ने हमें लाहौर से रब्ता किया, इन्होंने कहा कि इनके भाई हैं उस्मान, उनकी 14 साल पहले शादी हुई थी, अब 14 साल में सिर्फ एक बेटी है, एक औलाद है इनकी, तो ये मजीद औलाद के ख्वाहिशमंद हैं, अच्छी बात है, कुछ इस्तखारा करके बताइए। नहीं, वजह तो कुछ भी नहीं है, अल्लाह ताला करम करेगा, और मेरी लाखों करोड़ दुआएं अल्लाह ताला इनकी गैब से मदद फरमाए। औलाद नरीना के लिए हम खास वजह देते हैं, या बदियो या रहमान और या बदियो। रहमान के माने मेहरबानी करने वाली ज़ात, और बदी के माने हैं बे नमूने पैदा करने वाली ज़ात, बे नमूने बनाने वाली ज़ात। तो या रहमान और या बदियो 111 मरतबा पढ़ें, बकिया औलाद के लिए हमसे इलाज मंगवा लें। कहाँ से कॉल है? ये लाहौर से। ठीक है, तो हम आपको इलाज भी दे देंगे। और कराची से कोई बंदा को आपका जा रहा हो तो ठीक है, उनको हमारे पास भेज दें, तो हम उसको आपको साथ खजूरें भी देंगे, पानी बना के भी देंगे, और इंशा अल्लाह उससे कई लोगों का भला हो गया, आपका भला हो जाएगा। वरना ठीक है, आपको जो इलाज भेजा जाएगा उसमें खजूरों का इलाज होगा, आप खजूरें वहीं से ले लें लाहौर से, और उसको इस तरह इस्तेमाल कर जिस तरह आपने बताया है। अल्लाह ने करम करना है तो करम करने वाला ये करेगा सब। बेशक बेशक। और आज तो जुमे का दिन, हदीस पाक में जो शख्स 100 मरतबा दुरूद पाक पढ़ता है अल्लाह उसकी 100 हाजतें पूरी करता है। सुभानअल्लाह सुभानअल्लाह सुभानअल्लाह। अच्छा, फिर हमें इम्तियाज साहिबा ने कराची से रब्ता किया, इन्होंने कहा है कि इन्होंने अपने शोहर का नाम भी बताया, इनका नाम है असद, और इनका औलाद नहीं है इनकी, इन मेडिकली इन्होंने सारा चेकअप वगैरह करवाया है, तो मेडिकल इश्यूज हैं। तो सवाल इनका ये है कि जब मेडिकल इश्यूज हैं तो क्या रूहानी इलाज हम करवा सकते हैं, उससे कोई फ़ायदा हो सकता है? हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। मैं देखे तो जब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सहाबी को देखा कि वो दूसरे सहाबी को कान में दम कर रहे थे, सूरह मोमिनून की आखिरी आयत अफासिब तुम से जो आयत शुरू होती है और ख़त्म होती है रब्बिक फिर वरहम अंत खैर रहीमिन तक, तो आका ने फरमाया, जब दम किया उन्होंने कान पर, तो आका ने फरमाया अगर ये पहाड़ पर इसको दम किया जाए, पहाड़ पर हुज़ूर के अल्फाज़ हैं, तो भी रेजा रेजा हो जाए। सुभानअल्लाह। ये तो ये फरमाया यकीन के साथ पर पहाड़ दम किया जाए तो रेजा रेजा हो जाए। तो बहन मायूस ना हो, अल्लाह ताला की किताब में कुरान पाक में वाज़ है, हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम की अहलिया जो 100 साल के आसपास थी, हज़रत खलीलुल्लाह की अहलिया जितनी उम्र सीधा थी, इन दोनों को अल्लाह ने औलाद दी कि नहीं दी? बेशक, बेशक। यानी जब हज़रत खलीलुल्लाह की अहलिया को कहा गया कि तुम्हें औलाद होगी तो उन्होंने तो एक तरह से सर पर हाथ मार दिया कि ये कैसे हो सकता है। तो ये हैरान हो गए, ये कैसे हो सकता है? बेशक बेशक। तो आप कैसी बात करती है माँ बहन, ऐसी तो कोई मसला ही नहीं है, बिल्कुल हो सकता है, कोई घबराने की बात नहीं। अल्लाह तो हर शय पे कादिर है। इन्ना अल्लाह अला कुल्ली शयइन कदीर। अल्लाह इन्नक फाआलुल लिमा युरीद। अल्लाह ताला जो चाहे करना चाहे कर सकता है, जो चाहे। तो बस आप यकीन करें और इलाज करें, इंशा अल्लाह बड़ा फायदा हो जाएगा, इंशा अल्लाह, इंशा अल्लाह। अच्छा, आपने दम का जिक्र किया, कुछ इस बारे में मैं जानना चाहता हूँ, क्या दम करने के लिए किसी की, किसी बुजुर्ग की, किसी मुर्शिद की, किसी पीर साहब की इजाज़त दरकार होती है, या वैसे भी कोई भी मुसलमान जो है कुछ पढ़ के दम कर सकता है? देखिए, दम के लिए कोई इजाज़त ज़रूरी नहीं, मगर क्या है कि वो एक अगर पीर की इजाज़त हो तो वो, या मुर्शिद की इजाज़त हो तो वो, उसका डबल फ़ायदा हो जाता है, ज़्यादा बासर हो जाता है। हाँ, बासर हो जाता है। हाँ। एक जगह की पुश्त पनाही हो जाती है, पुश्त पनाही। ठीक है, तो ठीक है। अब ये कि वैसे तो हर शख्स दम कर सकता है, और सबसे बड़ा पीर तो हमारी माँ है। बेशक। अच्छा सही, तो इसके दम करने के लिए कुछ भी पढ़ा जा सकता है, या आपका मतलब मैंने ये भी सुना है कि कुछ लोगों ने बाकायदा रियाजत करके किसी एक आयत को या किसी एक सूरत को हाथ में किया होता है, फिर वो जब पढ़ते हैं तो उसका एक अलग ही असर। कोई शक नहीं है, आयतों के वजीफे होते हैं सूरह मुज़म्मिल के, सूरह यासीन के, और बहरहाल वो एक अलग बात है कि जितना गुड़ डालोगे इतना मीठा है, जितने जो मेहनत करेगा मन जहादा वजदा उसे, उसका अल्लाह ने जो मेहनत करता है उसको अल्लाह उसका सिला देता है। तो बाज़ ऐसे लोग, मतलब बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो किसी वर्द करते हैं 40-40 दिन के चेला काट लेते हैं, समझे, और
तरीके से, ऐसा नहीं कब्रिस्तान चले गए और वो हमजात का चिल्ला काटा तो खुद ही पागल हो गए। हाँ वैसे जहन में चिल्ले का सुन के यही आता है कि किसी कब्रिस्तान में कोई बैठ के बंदा चिल्ला काट रहा हो। नहीं वो आमतौर वही ये काम करवाते हैं जो आमरीन होते हैं। अच्छा। और मरवा देते हैं वो। हाँ। क्योंकि मेरे पास ऐसे लोग आते हैं ना कि जो इस तरह तबाह हो गए। हाँ। तो ये तरीका देखा, कुरान का विर्द हो या रसूल पाक की दुआएं हो या अल्लाह के नाम हो, इससे कोई पागल नहीं होता बेशक, मगर इसका मकसद भी होना चाहिए। हाँ। देखिए अगर कोई आदमी कहता है कि यार मैं इसलिए आमिल हो लूँ कि मेरे दरमियान औरतों का झमघटा हो। हाँ तो एक वक्फा आ गया जी, वक्फे के बाद आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर हो रहे हैं। दौरान वक्फा भी आपके सवाल ले रहे हैं हम। कहीं मत जाइए, न्यूज़ कैफे देखते रहिए, अब तक देखते रहिए। जी दोस्तों, वक्फे के बाद एक दफ़ा फिर से खुश आमदीद, आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफे। न्यूज़ कैफे में मौजूद हैं जनाब हज़रत मौलाना बशीर फारूक कादरी साहब। आप दोस्तों के सवालात को हम प्रोग्राम में शामिल कर रहे हैं। अच्छा, वक्फे से पहले हमने कुछ सवालात शामिल किए, अभी दौरान वक्फा भी हमें मजीद सवालात हम तक पहुँचे हैं, इनको शामिल करते हैं। बानो साहिबा ने कराची से रब्ता किया, उन्होंने कहा कि इनके साहबजादे हैं जिनका नाम है इमरान, तीन इनकी शादी हुई थी, तीन महीने में ही इनकी तलाक हो गई थी। अब हम चाहते हैं कि हमारा बेटा दोबारा शादी करे, मगर शादी का नाम लेते हैं तो ये चिढ़ जाता है। बस इसको 319 मरतबा या कुद्दूस हो या कुद्दूस हो या कुद्दूस पढ़ कर किसी मीठी चीज़ पर दम करके इसको रोज़ाना एक टाइम पे खिला दिया करें तो अल्लाह हलवा बना लिया, मीठा अंडा बना लिया, खिला दें, दूध पर दम करके पिला दें। 319 मरतबा या कुद्दूस हो, अल्लाह ताला इसका दिल पाकीज़ा कर देगा और शादी के लिए तैयार हो जाएगा इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। मरियम साहिबा ने कराची से रब्ता किया, उन्होंने कहा कि ये रात भर जागती हैं और दिन में सोती रहती हैं, मगरिब के वक्त घर वाले उठाते हैं मुश्किल से, तो इनको लगता है कि इनके ऊपर किसी ने कुछ करवा दिया, इस्तखारा करके बताया क्या करवाया, शैतान ने सब कुछ किया हुआ। देखे ना, तो अगर मगरिब उठती है उसके बाद कितनी नमाज कज़ा हो जाती होंगी, अल्लाह खैर करे। मेरा लिए ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा, नींद की दुआ मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अता फरमाई है, वो कराची में रहते हैं, ये मुझसे मंगवा लें, मैं इंशाअल्लाह ताला दे दूंगा। तो वो इस तरह फिर रात को वजू करके ये दुआ पढ़ के सोएं, इंशाअल्लाह करम होगा इंशाअल्लाह। हमें साइमा साहिबा ने लाहौर से फ़ोन किया, उन्होंने कहा है कि इनके बेटे के रोज़गार के मसाइल हैं, जॉब नहीं मिल रही, ढूंढ रहा है, बड़ी मेहनत कर रहा है बेचारा, तो दुआ करती है। नहीं, बड़ा करम होगा, मेहनत करने वालों की अल्लाह मदद फरमाता है। या करीमो या अल्लाह, या करीमो या अल्लाह, या करीमो या अल्लाह, अल्लाह ताला करम करने वाला है। 200 मरतबा हर नमाज के बाद पढ़ें, अव्वल आखिर तीन तीन बार दूसरी पढ़ें, और आज असर से मगरिब तक या अल्लाह या रहमान या उनका विर्द भी करें, अल्लाह ने चाहता बड़ा करम होगा, कोई वजह कोई रुकावट नहीं है इंशाअल्लाह। रिजवान साहब ने रावलपिंडी से रब्ता किया, उन्होंने कहा कि इनके भाई यूके में हैं, बहुत बीमार हैं, आप इस्तखारा करके बताइए कि सब खैरियत तो है ना, और फिर दुआ कर दीजिए इनके। नहीं, बहुत दुआ है, अल्लाह शिफा अता फरमाए। आप यहाँ से ही बैठ कर जो है हर नमाज के बाद 3 बार सूरह फातिहा पढ़ कर तसव्वुफ़ को दम कर दिया करें, और रिजवान साहब के जो आपके भाई हैं वहाँ, उनके साथ कोई अमलियात वगैरह का मसला नहीं है। बिल्कुल ठीक है। ताहिर साहब ने कराची से मैं रब्ता किया कि इन्होंने कहा कि हमारे पूरे घर को नज़र लग गई है, इस्तखारा करके बताइए कि सब जी ऐसा है, ऐसा है, नज़र है घर वालों पर, तो या तो नज़र की तावीज़ मंगा लीजिए। सूरे कलम 29 पारे में है, और सूरे कलम की आखिरी दो आयतें जो है वो है बिस्मिल्लाह रहमान रहीम व इयकादुल्लज़ीन कफरू लयुज़लिक़ूनका बिअबसारिहिम लम्मा समिउ ज़िक्रा व यक़ूलूना इन्नहु लमजनून वमा हुवा इल्ला ज़िक्रुल लिल आलमीन। ये जो 29 पारा है उसके अंदर सूरे कलम है, सूरे कलम की आखिरी दो आयतें हैं, इस दो आयतों को 3 बार पढ़कर अपने ऊपर, घर वालों पर, घर के दर दीवार पर, कारों पर, जिस पर आप 3 बार दम करेंगे, मतलब 3 बार पढ़ के दम करेंगे, शराब उसकी नज़र उतर जाएगी। बाकी जो टोचके हैं उस पर भी अमल करें, है वाकई, और तावीज़ भी हमसे मंगा लें। बिल्कुल ठीक है। मुकाबला ज़रा सख्त हो गया है, वक्त कम हो गया है, सवालात हम चाहते हैं कि सबके जवाब मिल जाएँ, और आज हमने रजब की चांद रात के हवाले से भी आपसे बात करनी है। फरजाना साहिबा ने कराची से रब्ता किया, इनके साहबजादे हैं हसन, 26 साल इनकी उम्र है, नाफरमानी करते हैं, माँ बाप बड़े परेशान हैं। बस वो आज जुमे का दिन है, नमाज जुमा के बाद 1001 मरतबा या वदूदो या वदूदो या वदूद पढ़ कर नमक चीनी पर दम करके पूरे हफ्ते इसी से खाने पकाएँ, हर हफ्ते ये काम करें, इंशाल्लाह इसका और सारे घर वालों का दिल नरम हो जाएगा। बुशरा साहिबा ने कराची से रब्ता किया, कहते हैं कि मियाँ रिटायर्ड हो गए हैं, नई जॉब नहीं मिल रही है उन्हें, हर वक्त मोबाइल में लगे रहते हैं, नई जॉब के लिए वजीफ़ा दे दें। अल्लाह ताला इनको हिदायत दे, और जो जॉब के लिए भी दुआ करते हैं, और ये जो मोबाइल में अपने वक्त को ख़राब करें उसको भी इतने दुआ करते हैं।
जनाब आला कोशिश करें कि अल्लाह ताला की रहमत से एक तो इखलाकियात से पेश आएँ, क्योंकि औरतें ज़रा सख्ती करती हैं तो मर्द और बिगड़ जाते हैं ना। और इसके अलावा जो है दुआ वजीफ़ा है, या समीओ या मुजीबो, अल्लाह ताला सुनने वाला भी है और कबूल करने वाला भी है। 100 मरतबा हर नमाज के बाद पढ़ें या समीओ या मुजीबो, इससे दोनों मसले हो जाएंगे, एक तो जॉब का, दूसरा इंशाल्लाह हिदायत का। ठीक है, अच्छा हमारे पास वक्त कम है, कुछ सवालात हैं हम शामिल शायद नहीं कर सकें क्योंकि हमें एक ज़रूरी सवाल जो है वो शामिल करना है। हज़रत रजब का महीना जो है वो शुरू हो जाएगा अगले हमारे प्रोग्राम से पहले पहले बुध या जुमेरात को, तो रजब की जो चांद रात है उसमें ऐसा कोई ऐसी खास साल इबादत? के जो सबसे बड़े अजीम अय्यामों की शब होती है जिसमें कोई दौरत नहीं होती, उसमें से रजब की पहली रात है। या तो बुध को चांद होगा या जुमेरात चांद होगा। चांद रात पूरी रात इबादत करने की रात है, जितना मुमकिन हो सके इस इबादत को गुजारें। और इसके साथ साथ यह है कि उस रात दुआएं मांगे, जो दो तीन सवाल बाकी रह गए ना उनके इस्तेखारे हो चुके हैं, ठीक है, और उनको कहें कि बस जो इस महीने का निसाब जो है वो अगर अमल करें, जो भाई अभी तक पूरा प्रोग्राम देगा जो पता है अमल करें, उनके साथ कोई रुकावट नहीं, ये जहन से खत्म निकाल दें। ताकि दो तीन लोग सवाल बाकी रह गए उनकी माफ़ी चाहते हैं, मगर उनके वज़ाइफ़ आ चुके हैं, उन्होंने सुनी है, उसी पर अमल करें इंशाल्लाह। बिल्कुल ठीक है, और ये इंशाल्लाह इंशाल्लाह ये तीन दोस्त हमारे तीन कॉलर्स, इनके हम अगले प्रोग्राम में जुमेरात को जवाब देने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच, आप तशरीफ़ लाए, आप तमाम नाज़रीन का भी शुक्रिया। मुख्तसर सा वक्त है, आइए सब मिलकर हाथ उठाते हैं और दुआया कलमात के साथ आपसे इजाज़त भी चाहते हैं। पीर के रोज़ आपसे दोबारा मुलाकात होगी, पीर तक के लिए खुदा हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलाम अला सय्यिदिल अंबियाए वल मुरसलीन, जज़ाल्लाहु अन्ना सय्यिदना मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम माहु अहलु। या अल्लाह या रहमान या रहीम, साल का अहम महीना शुरू होने वाला है माह रजब, उसकी पहली रात में इबादत करने और दूसरे दिन का रोज़ा रखने की भी हमें तौफीक अता फरमा, क्योंकि जिसने इस दिन में एक रोज़ा रखा उसे जन्नत की नहर में से दूध दिया जाएगा, नहर से सैराब किया जाएगा। अल्लाह ताला ए अल्लाह हम सारी उम्मत को तेरे इस अजीम महीने की भी और हर नेमत की कदर करने की तौफीक अता फरमा, हमारे बीमारों को अच्छा कर दे, बेरोज़गारों को रोज़गार दे दे, कर्ज़दारों के सर से कर्ज़ का बोझ उतार दे, बे औलादों को औलाद दे दे, बे रिश्तों को नेक रिश्ते अता फरमा दे, घरों से नाचाकियाँ ख़त्म हो जाएँ, शोहर बीवी की लड़ाई झगड़े खत्म हो जाएँ, माँ बेटों के झगड़े खत्म हो जाएँ, बेरारवी गुमराही से हमारी जान छुड़ा दे, बुरे दिन बुरी घड़ी बुरे वक्त बुरे दोस्त और बुरे हमसायों से बचा ले, हमारा अव्वल भी खैर हो, आखिर भी खैर हो, ज़ाहिर भी खैर हो, बातिन भी खैर हो, खैर को मुकद्दर फरमा, शर से हमारी जान छुड़ा दे। आमीन 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 या रब्बल आलमीन। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।